जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ये जो देख रहा है मेरे हाथ में एक ट्रेन का टिकट है, और आपको बता दूं अगर इस तरह के आपके पास ट्रेन का टिकट होगा तो हो सकता है आप पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस केस भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये जो टिकट है मैं स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा, शायद आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन 900 का टिकट आपके पास 2500 या 3000 रुपये ले लेता है। अगर कोई भी इस तरह से आपके पास करता है तो आप तो उसके पास जाओ ही नहीं, क्योंकि अगर आपको पता होगा तभी तो आप उसके पास नहीं जाओगे, क्योंकि जब आपको टिकट खुद से बनाने नहीं आता तभी आप 900 1000 रुपये की जगह किसी को 3000 3500 रुपये देता है। तो आज की जो मेरा वीडियो के टॉपिक है मैं आपको बताऊंगा अपनी मोबाइल से किस तरह से टिकट को बुकिंग कर सकते हो, मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। अगर आप मेरा वीडियोस को फुल देख लेते हो तो आज अपनी मोबाइल से बनाना सीख जाओगे। यार आप लोग मेहनत करके पैसा कमाने जाता है और किसी को मतलब 1000 की जगह 2000 3000 2500 दे देता है, तो आज मेरा इसी टॉपिक पर है। तो आज मैं आपको करके बताऊंगा किस तरह से आप अपना टिकट को बना सकते हो, वो भी अपनी मोबाइल से। तो दोस्तों आपको अपना टिकट को बुकिंग करने के लिए एक ऐप्स की जरूरत पड़ेगा जो आपको डिस्प्ले पे देख रहा है, IRCTC रेलवे कनेक्ट करके। तो आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है और इस पे किस तरह से अकाउंट बनाओगे इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डिटेल्स में बना चुका हूँ, नहीं देखा तो आप देख लेना, आई बटन या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो जैसे आप इस ऐप पर टच करोगे एलर्ट वाला कुछ पेज खुलेगा, आपको यहाँ से ओके कर देना है, करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ जो आपको ऊपर 2-3 लेटेस्ट जो अपडेट है वो आपको दिखाई देगा, लेकिन वहाँ काम नहीं, आपको यहाँ काम है अपने टिकट को बुकिंग करना है। बड़ी इजी प्रोसेस है, मैं इजी से बताऊंगा। तो यहाँ प्लान में जर्नी पर आपको यहाँ ओके कर लेना है, जैसे ओके करोगे कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ खोल के आ जाएगा। तो यहाँ आपको सर्च करने का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्रॉम टू यहाँ आपको दिखता है, यानी कि आप जिस स्टेशन पे चढ़ोगे ट्रेन पे वहाँ फ्रॉम पे डालना है, जहाँ उतरोगे वहाँ टू पे डाल देना है। और उसके बाद यहाँ जो नीचे आपको डेट सिलेक्शन है, आप अपनी मर्जी से किस डेट को जाना चाहते हो यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो, या तो मेरे यहाँ 2-3 पहले से डेट मतलब सिलेक्शन होता है। मेरी साउंड को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरा दोनों नाक बंद है और मुझे बहुत जुकाम है, उसके लिए सॉरी। मतलब आपको कहीं का भी सर्च करना है, कहीं का भी ट्रेन ढूंढना है, तो यहाँ आपको फ्रॉम पे टच कर देना इस तरह से, और यहाँ आपको 2-4 लेटर जैसे ही लिखोगे ऑटोमेटिकली वो स्टेशन सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको एक टिकट बुकिंग करके दिखाऊंगा इजी प्रोसेस से, ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह से करना है। तो मान के चलो मैं एक डेट सिलेक्ट कर देता हूँ, मान के चलो जो मैं मेरा सिटी का ही बताता हूँ, मालदा टू हावड़ा जाना है मुझे, यानी कि मालदा से हावड़ा जाना है। तो उसके लिए मैं एक डेट सिलेक्शन करूँगा यहाँ, यहाँ तो 3 मेरे लिए डेट होता है आपको पता ही है, लेकिन मैं यहाँ अपनी मर्जी से एक डेट सिलेक्शन करूँगा और वो डेट डालूंगा मैं यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है डेट वाला ऑप्शन, मैं इस पर टच करूँगा। करने के बाद सिंपली मैं यहाँ 10 तारीख को टच कर लूँगा और उसके बाद यहाँ ओके कर दूंगा इस तरह से। जैसे आप ओके करोगे तो ये हो गया, और यहाँ से आपको जो सर्च वाला ये देखेगा आपको सर्च ट्रेन करके, तो आपको सिंपली इस पर टच कर लेना है। जैसे टच करोगे पूरा ट्रेन शो कर देगा जो जो ट्रेन है आपको, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पूरा जो ट्रेन है, जो जो मतलब एक हफ्ते में जो वो जो ट्रेन है 1 वीक में, यहाँ सब कुछ आपको दिखाई देगा। तो अगर आपको सिर्फ आपको ढूंढना, यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, लेकिन यहाँ जो अवेलेबल है, यानी कि जो अवेलेबल है वो ही अगर आपको सर्च करना है तो सिंपली आपको इस पर टच कर लेना है, और जो जो अवेलेबल है वो आपको दिखाई देगा। जैसे कि मैंने अवेलेबल पर टच किया और जहाँ जहाँ अवेलेबल है आपको दिखाई देगा। तो अगर आपको मान के चलो आपको इस ट्रेन का आपको लेना है, ये जो सियालदा वाला है, तो सियालदा जाना है आपको, तो इस ट्रेन का अगर आपको टिकट लेना है, मान के चलो कोई भी ट्रेन का लेना है, इस पे से कोई भी सिलेक्ट करना जो अवेलेबल है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये जनरल है, यानी कि 2S है, ये SL है, ये S3 है, मतलब जो भी लेना है आपको, मान के चलो यहाँ 52 सीट्स अवेलेबल है। तो अगर आपको इस पर ही बुकिंग करना है तो सिंपली आपको इस वाले पर टच कर लेना है, इस तरह से टच कर लेना है, और टच करने के बाद यहाँ नीचे एक ऑप्शन दिख जाएगा पैसेंजर डिटेल्स करके, आपको यहाँ दिखाई देगा नीचे डिटेल्स। तो यहाँ पैसेंजर डिटेल्स पे आपको इस तरह से टच कर लेना है, जैसे आप पैसेंजर डिटेल्स पे टच करोगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, और यहाँ आपकी जो पिन है, जब अकाउंट आप क्रिएट करोगे इसके अकाउंट बनाओगे तो 4 डिजिटल का आपको पिन जनरेट करने को बोलेगा, वो पिन यहाँ डालना है, और यहाँ जो आपको कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ फिल करना है, जो मैं आपके सामने फिल कर रहा हूँ। अगर आपके अकाउंट नहीं बना है, फिर से बोल रहा हूँ, तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख लेना। और यहाँ वो पेन भी मैं डाल लेता हूँ, आपके सामने डाल देता हूँ, आपको दिखाई देगा, ये देखिए। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैंने कैप्चा को फिल कर चुका हूँ, और कैप्चा को फुल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ लॉगिंग वाला ऑप्शन ओके कर देना है इस तरह से। तो दोस्तों आप जैसे ही लॉगिन करोगे फिर से इस तरह से ही पेज आपको रिडायरेक्ट कर देगा, फिर से खोल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ कुछ नहीं करना। आप यहाँ चाहे तो आपको नीचे जो दिखाई दे रहा है फायर ब्रेकअप, तो आप यहाँ टच करके आप देख सकते हो कहाँ कितना क्या चार्जेस कटा हुआ है, यहाँ से सब कुछ आप देख सकते हो, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हो। और उसके बाद यहाँ आपको काम है, यहाँ जो फिर से आपको पैसेंजर डिटेल्स है, आपको सिंपली इस पैसेंजर डिटेल्स पे आपको टच कर लेना है। करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, आपको कन्फर्मेशन पूछा जाएगा, आपको यहाँ से एग्री कर देना है,
एग्री करने के बाद यहाँ आपको कन्फर्म सिलेक्टेड ट्रेन करके आएगा, तो आपको यहाँ से भी कन्फर्म कर दे रहा है। यहाँ जो कन्फर्म वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ कन्फर्म कर दे रहा है। करने के बाद कुछ इस तरह से एक इन्फॉर्मेशन वाला इन्फो आएगा, यहाँ से आपको ओके कर दे रहा है। जैसे आप ओके करोगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना, यहाँ बहुत कुछ है समझा रहे, जैसा मैं आपको बाद में कभी समझा दूंगा। लेकिन यहाँ आपको क्या करना, तीन ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आपको अगर अपना टिकट कर रहा है तो ये एड ड्यू पे आपको ओके कर देना है। यहाँ से जैसे आप एड ड्यू पे टच करोगे उसके बाद यहाँ आपको नेम डाल देना है, यहाँ यस डाल देना है। अगर आप लड़का है तो यहाँ लड़का डाल देना है। चलो मैं आपके सामने डाल देता हूँ। जैसा कि मैं अपने नाम से एक टिकट निकालूंगा तो मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से होता है स्टेप बाई स्टेप। मैं यहाँ अपना नाम डाल देता हूँ, ये देखिए मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। और यहाँ एज डाल दे रहा है, यहाँ आपके सामने एज डाल दे रहा है। यहाँ जो मेल वाला ऑप्शन है, यहाँ आप मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर आपको कर रहा है, तो मैं मेल हूँ, मेल पे ओके कर दूंगा। और करने के बाद यहाँ नेशनलिटी सिलेक्ट कर ले रहा है, जैसे कि मैं इंडियन तो इंडियन रहने दे रहा है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, बस यहाँ नाम डाल देना है, यहाँ एज डाल देना है, यहाँ मेल सिलेक्ट कर लेना है जो आप हो। और उसके बाद ऐड पैसेंजर पे आपको यहाँ ओके कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद यहाँ ऐड पैसेंजर पे ओके कर लेना है। जैसे आप ऐड पैसेंजर पे ओके करोगे कुछ इस तरह से एक पेज आएगा खोल के आपके सामने। तो यहाँ आपको क्या करना है, मतलब जिसके नाम पे टिकट से यहाँ आपको डिटेल्स पूरा भर लेना है। यहाँ तो आपको एड्रेस डाल दे रहा है, और दूसरा बात यह पहले आपको पिन कोड डाल दे रहा है। यहाँ पिन कोड वाला ऑप्शन पे पिन कोड डाल दे रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए पिन कोड वाला ऑप्शन, जैसे आप पिन कोड डालोगे यहाँ तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा आपकी जो एरिया का एड्रेस है। जैसे कि मेरा है, सॉरी, जैसे कि मेरा ये पिन कोड है, मैंने जैसे ही डाला तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है। और वहाँ से आपको अपना जो पोस्ट है उसे, पोस्ट ऑफिस है उसे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने कर लिया। और उसके बाद ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। और यहाँ बस थोड़ा सा आपको डिटेल्स डालना है, जो मैं आपको सामने डाल देता हूँ। ये देखिए मैंने आपके सामने एड्रेस भी डाल दिया हूँ, और आपको भी कुछ इस तरह से ही डाल दे रहा है। तो चाहे तो आप यहाँ से आप अपने इंश्योरेंस करा लेना, या तो लो भी कर देना, ज़्यादा पैसा नहीं है, बस 49 पैसे कटेगा। आप अपना टिकट का इंश्योरेंस करा सकते हो। जैसे कि मैं एस करूँगा, एस करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप चाहे तो मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो, जो कस्टमर का मोबाइल नंबर है उसे ही आपको डाल दे रहा है। तो मैं कस्टमर का मोबाइल नंबर नहीं चेंज करूँगा। और यहाँ से आपको क्या करना है, रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे आपको इस तरह से ओके कर दे रहा है। यहाँ जो आपको दिख रहा है ये वाला ऑप्शन, रिव्यू जर्नी डिटेल्स, आपको यहाँ ओके कर दे रहा है। करने के बाद कुछ प्रोसेस लेगा, और एक इस तरह से कैप्चा फिल करने वाला ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। पेज इस तरह से अनेबल हो जाएगा, आप यहाँ से चाहे तो चेक कर सकते हो। यहाँ देख पा रहे हैं आप, मतलब किस डेट को आपने ट्रेन बुकिंग किया है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन सा टिकट है, सीट अवेलेबल है, सब कुछ यहाँ दिखाई देता है। अगर कोई बच्चा भी है तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैं किसी अदर वीडियो में बता दूंगा। और उसके बाद आपको इस पेज को स्क्रॉल करके ऊपर आ जाना है, मतलब सॉरी नीचे आ जाना है। आने के बाद यहाँ आपको एक कैप्चा दिखेगा, यहाँ देखिए टाइप द चैरेक्टर इन द इनबॉक्स ब्लो, हालांकि यहाँ ये जो कैप्चा है आपको इस बॉक्स पे मतलब फिल करना है। हो बो होप सेम टू सेम वही, जो मतलब कैपिटल है कैपिटल, स्मॉल है स्मॉल। तो मैं आपके सामने ही कैप्चा को शो कर लेता हूँ। ये देखिए एच, उसके बाद है वाई, उसके बाद है कैपिटल का पी, और उसके बाद यहाँ है सिक्स। जैसे आप यहाँ मतलब कैप्चा को फिल करोगे यहाँ आपको दिखाई देगा प्रोसेस टू पे, हालांकि आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे चला जाओगे। जैसे आप यहाँ टच करोगे प्रोसेस टू पे पे, मैं टच कर रहा हूँ आप देखिए, और कुछ इस तरह से अलर्ट वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ आप चाहे तो पढ़ लेना, अदरवाइज इसे छोड़ सकता है। और उसके बाद यहाँ येस पे आपको ओके कर लेना है, यहाँ एक्सेप्ट कर लेना है। येस करने के बाद यहाँ देखिए आपको यहाँ पेमेंट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, सिलेक्ट पेमेंट मेथड, यानी कि वॉलेट्स, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन और पे लेटर, यानी कि आप बाद में भी इसे पे कर सकते हो, लेकिन मुझे मल्टीपल पे लेटर्स पे वो करना है जो सेंटर में बीच वाले पे है। तो आप इस पर टच कर लेना। करने के बाद यहाँ बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएगा आपके सामने, आप चाहे जिससे भी कर सकते हो, चाहे पेटीएम हो गया, मतलब फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, किसी भी बैंक से हो गया। तो मान के चलो मैं फ़ोन पे ही सिलेक्ट करूँगा, यहाँ फ़ोन पे वाले आईकन पे टच करूँगा, और करने के बाद यहाँ पे वाले ऑप्शन पे ओके कर दूँगा, यहाँ पे पे। जैसे आप पे वाले ऑप्शन पे ओके करोगे कुछ इस तरह से इंटरफेस खोल के आ जाएगा। ये देखिए आपको अपनी फ़ोन पे पे रिडायरेक्ट करेगा, और यहाँ एक ओपीटी सेट करेगा वो खुद से, रेलवे कनेक्टर आपको ओपीटी सेट करेगा। जैसे ही वो ओपीटी आ जाएगा तो यहाँ आपको एंटर करना है। करने के बाद यहाँ सेट ओपीटी टू लॉगिन, जैसे आप ओके करोगे ऑटोमेटिकली आपका पैसा कट जाएगा और आपका टिकट भी बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप फिर बाद में जाके
आप अपने टिकट को मतलब जो CTRC ऐप्स है आप उसी से बड़ी आसानी से ट्रैक कर सकते हो। वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, नहीं तो किस तरह से टिकट को भी ट्रैक करना मैं बता देता। तो जैसे आप यहाँ OTP डाल दोगे ऑटोमेटिकली आपका टिकट बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के जानकारी साथ।